भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर राजकीय बौद्ध संग्रहालय में उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषयक पर छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई। आपको बता दें कि प्रदर्शनी में सरदार पटेल के बाल्यकाल से लेकर निर्वाण प्राप्ति तक की घटनाओं एवं उनके योगदान को चित्रों के माध्यम से दिखाने का एक अनूठा प्रयास किया गया है। प्रदर्शनी के माध्यम से संग्रहालय का प्रयास है कि युवा पीढ़ी सरदार पटेल के जीवन व दर्शन को समझे और अपने जीवन में आत्मसात कर देश की उन्नति में अपना योगदान दे, जिसका दिग्विजय नाथ एलजी प्रशिक्षण महाविद्यालय की छात्र छात्राओं तथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की छात्राओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसके संबंध में बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम ने बताया कि जन सामान्य को पटेल के जीवन संघर्षों तथा प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से ऐतिहासिक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी उपलब्ध है। सरदार पटेल ने देश की एकता और अखंडता की जो मिसाल पेश किया उससे हमें सीख लेना चाहिए और देश को एक सूत्र में पिरोए रखना हमारा कर्तव्य एवं नैतिक जिम्मेदारी है। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और इतना ही नहीं, इनके अद्वितीय योगदान के लिए इन्हें भारत का विस्मारक भी कहा जाता है। वे इस देश के बहुमूल्य धरोहर थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के देशभक्तों में एक अमूल्य रतन थे। सरदार पटेल ने स्थानीय आंदोलन हो या राष्ट्रीय आंदोलन सभी में दृढ़ संकल्पता के साथ कार्य किया। इन्होंने देश की आजादी के विभिन्न आंदोलनों में प्रमुख एवं अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए समूचा देश उनका कृतज्ञ रहेगा। उन्होंने बताया कि सरदार पटेल 7 अक्टूबर 1950 को जब अंतिम बार हैदराबाद गए तो वहां उन्हें हैदराबाद सिकंदराबाद की म्युनिसिपैलिटी तथा हिंदी प्रचार सभा द्वारा मानपत्र दिया गया। उसके प्रति आभार प्रकट करते हुए सरदार पटेल ने कहा था, मुझे मानपत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही इसका कोई समय आया है। जब आदमी दुनिया छोड़कर चला जाता है, असल मानपत्र तो उसके बाद मिलता है, क्योंकि कोई आदमी आखिरी दिन तक कोई गलती ना करे तब उसकी इज्जत रहती है, लेकिन यदि आखिरी उम्र में दिमाग पलट जाए तो सारी मेहनत और त्याग खत्म हो जाता है। सरदार पटेल अपने उक्त विचार के 2 माह पश्चात 12 दिसंबर को बंबई गए और 15 दिसंबर को 1950 को प्रातः 9:37 पर दिव्य शक्ति की चेतना देने वाला यह सूरज अस्त हो गया। समूचा राष्ट्र लौह पुरुष का हर दौर में हमेशा कृतज्ञ रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम ने कहा, राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर। देखिए, आज 15 दिसंबर है और 15 दिसंबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का निर्वाण दिवस होता है। उस अवसर पे हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और उनके जीवन और व्यक्तित्व कृतित्व पे एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और उस प्रदर्शनी में हमने विशेषकर प्रयास किया है कि स्कूली छात्र छात्राओं को हम आमंत्रित करें और उनको उनके जीवन के बारे में बताएं और दिखाएं। यह प्रदर्शनी का उद्देश्य आज मेरा ये है।
वल्लभपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म से लेकर के और देशी रियासतों के एकीकरण और देश के राजनीतिक परिदृश्य और उनके निर्माण तक की हम घटनाओं को प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया।